इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, माय सन इज सेइंग मम्मा वो व्हाइट मैजिक कर लो ना, क्योंकि उसकी मैंने थोड़ी हेल्प की। पेपर चल रहे थे फाइनल ईयर के, 9th में है तो ठीक फाइनल टर्म के पेपर चल रहे थे उसके, तो है। एसएसटी में कुछ याद नहीं हो रहा था, अच्छा तो राइट वो हमारा जो मेमोरी वाला है, तो मैंने राइट उसे बोला ठीक है आप अपनी बुक लेके आओ, मैं आपको एक मैजिक कर दूंगी। देन आफ्टर दैट ही इज सेइंग मी मम्मा वो मैजिक कर दो, मैजिक कर दो, मेरी बहुत हेल्प हुई है। ग्रेट। या रिकी इज, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू रिकी सच में। हाय मैम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? या वेरी वेल। सुनिया, आई थिंक कितना टाइम हो गया है रेकी सीखे? फर्स्ट लेवल कब किया था? मैम 3 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ्स वेरी कंप्लीट हो चुके हैं, दिसंबर में सीखा था। नाइस। क्या कैसा लग रहा है? मैम अगर सच कहूँ तो लाइफ इज कम्प्लीटली चेंज नाउ। पहले अगर दिसंबर से पहले मुझे रिकी के बारे में कुछ नहीं पता था, आई हैव जस्ट सीन वन एड फ्रॉम इंस्टाग्राम, पर मैंने सोचा, मैंने कहा फिर आपकी ये क्लास हुई, इंट्रो क्लास हुई, आई वाज वेरी इंटरेस्ट कि हाँ मुझे करना ही करना है। तो देन आई केम टू नो, मतलब मैंने ज्वाइन की आपकी क्लास रिकी लेवल 1, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। मीनवाइल रिकी लेवल 1 में ही मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम है, बैकएक वगैरह की बहुत प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, जो कि रेगुलर होती रहती थी आफ्टर एवरी मंथ और 2। तो उस पर जब हमारी हीलिंग वाली जर्नी स्टार्ट हुई, वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ। देन आई गो फॉर रिकी लेवल 2। तो रिकी लेवल 2 के बाद तो मैजिक ही हो गया मैम लाइफ में। जैसे सच बोलूं तो मेरा इंसोमेनिया का बहुत प्रॉब्लम था, मैं एक एक दो दो घंटे बेड पे होती थी, 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, उससे पहले मेरे को नींद ही नहीं आती थी। आप 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, जितने मर्जी बजे, आई एम थैंकफुल टू यू कि सच में वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है विद इन 10-15 मिनट्स, मुझे पता ही नहीं होता। और साउंड स्लीप नहीं होती थी, अब साउंड स्लीप भी होती ग्रेट, दैट्स द है। मिरेकुलस लगता है ना, है ना? सच में इट इज एक्चुअली, इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, माय सन इज सेइंग मम्मा वो व्हाइट मैजिक कर लो ना, क्योंकि उसकी मैंने थोड़ी हेल्प की। पेपर चल रहे थे फाइनल ईयर के, 9th में है तो फाइनल टर्म के पेपर चल रहे थे उसके, तो एसएसटी में कुछ याद नहीं हो रहा था, अच्छा तो राइट वो हमारा जो मेमोरी वाला है, तो राइट मैंने उसे बोला ठीक है आप अपनी बुक लेके आओ, मैं आपको एक मैजिक कर दूंगी। देन आफ्टर दैट ही इज सेइंग मी मामा वो मैजिक कर दो, मैजिक कर दो, मेरी बहुत हेल्प हुई है। या ग्रेट। रिकी इज, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू रिकी सच में, बहुत चेंज हुआ। इनफैक्ट एक और बात बताती हूँ, आई वाज अ वेरी नेगेटिव थिंकर, मेरी ओके थिंकिंग में भी बहुत चेंज हुआ है, अच्छा। नेगेटिविटी टू पॉजिटिव, मुझे नहीं पता कैसे। जैसे पहले था कि सर हमेशा भरा भरा रहता था, अब ऐसा नहीं होता। अब हाँ कुछ सोचा उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसा नहीं है कि आप सोचते ही रह जाओ, प्लानिंग ही करते रह जाओ। आफ्टर रिकी मतलब आई मस्ट से कि मेरी लाइफ में तो मैजिक हुआ है। वाह ग्रेट, वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी। आई फील ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशंस। एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड, आई केम टू नो अबाउट रिकी, आप मिले, आई गो थ्रू द क्लासेस। इनफैक्ट मेरी अभी रिकी लेवल 2 ही हमने किया है, बट आई डेफिनेटली, वॉन्ट टू गो फॉर द मास्टरशिप ऑफ, आई मोस्ट वेलकम। एम वेरी एवरी रेकी, आई फील पर्सनली फील दैट एवरी रेकी चैनल इज ब्लेस्ड। जो इंसान रेकी में आ गया है ना, वो ब्लेस्ड है, क्योंकि कुछ पास्ट लाइफ कर्मास का प्रारब्ध है कि आप रेकी में आ पाते हो। कितनी डेढ़ अरब कुछ की तो है। पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो रेकी में आ पाते हैं ना? तो कोई प्रारब्ध है, सो द जर्नी हैज बिगिन। इट्स जस्ट अ स्टार्ट एंड यस देयर मैम, दिस इज स्टार्ट। या मैंने विश बॉक्स में भी कुछ विशेस मांगी है, लेट्स सी, हाँ आई बिल्कुल होप एवरीथिंग विल बी, या बट इट विल टेक 2-3 मंथ्स, हाँ वो थोड़ा टेंटेटिव। सा हम लॉन्ग क्योंकि थोड़े से ड्यूरेशन। लॉन्ग टर्म गोल्स डालते हैं ना विश बॉक्स में, तो जब विश बॉक्स की विशेस फुलफिल होंगी देन अगेन विल बी मीटिंग। इज यस दैट श्योर श्योर श्योर, ओके आई डियर? नो इट विल हैपन फॉर श्योर। यस इट विल हैपन। इनफैक्ट रिकी को मुझे ये लगता है कि हमें रिकी के बदले इसको मैजिक कहना चाहिए, ये हाँ सच मतलब लगता है कि शायद आप ऐसे ज्यादा बोल रहे हो या
ये तभी आप महसूस कर सकते हो व्हेन यू गो थ्रू इट, व्हेन यू यस डू स्टार्ट डूइंग हीलिंग। हाँ, मैं बोलती हूँ ना, रेकी समथिंग विच कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। यस मैम, फॉर श्योर, या वेरी राइट मैम, वेरी नाइस, सो थैंक यू मैम, थैंक गॉड यू, ब्लेस यू, एंड आई एम रियली कांग्रेचुलेशंस ऑन थैंकफुल ऑल योर टू गॉड, अचीवमेंट्स। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे ही रिकी चैनल बनाया। मैं ये कहती हूँ ये पहले क्यों नहीं आया मेरे पास, सच में। चलो, देर इज ऑलवेज राइट टाइम फॉर राइट थिंग्स टू हैपन, राइट। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम।